ब्लैक मैम्बा वर्सेस ग्रीन मैम्बा, दोनों में से कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक है? आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों सांपों के बारे में बात करेंगे। ब्लैक मैम्बा डेंड्रोस्पिस पॉलिलेपिस एल्पिडा परिवार से संबंधित एक विषैले सांप की प्रजाति है। यह उप सहारा अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। ये किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे लंबा और विषैला सांप है। इसकी लंबाई 7 से 14 फुट तक होती है और इसकी त्वचा का रंग स्लेटी ग्रे से गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो कि बॉडी के नर्वस सिस्टम को काम करने से रोकता है और इंसान की मौत हो जाती है। ग्रीन मैम्बा डेंड्रोस्पिस एंगस्टिसेप्स दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के मूल मैम्बा जीनस डेंड्रोस्पिस की एक अत्यधिक विषैला सांप प्रजाति है। ये हरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 6 से 12 फुट तक होती है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन दोनों जहर होते हैं जो कि हल्के हल्के बॉडी के खून को जमाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विनर इज ब्लैक मैम्बा।